यीशु अपने दो शागिर्दों पर जाहिर हुए, वो भी खुशी से भरे दूसरों के पास आए। बाकी खुदावंद जी उठे हैं, वो शमऊन पर जाहिर हुए थे। हम तो राह में भी उसे पहचान न सके। जब उन्होंने रोटी तोड़ी तब पता चला। अमाउस में उनका वहां जाना अजीब है। तुम्हारी सलामती हो। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे जहन में शक कहां से आ गए? देखो मेरे पांव और हाथ देखो और जानो कि मैं ही हूं। छू कर देखो तो जान जाओगे। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही जब मैं तुम्हारे साथ था। कि हर एक बात जो मेरे मुतालिक मूसा के तौरात नबियों के सहाइफ और जबूर में लिखी गई पूरी हो। इनमें यूं लिखा है, जरूर है कि मसीह दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके नाम से तमाम कौमों में तौबा की और गुनाहों की माफी की मना दिखी जाएगी। इब्तिदा यरूशलम से होगी। तुम इन बातों के गवाह हो और मैं अपने बाप का वादा तुम सबके लिए पूरा करूंगा। मगर तुम इस शहर में ठहरे रहो जब तक कि आलम बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले।